नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे 8 घंटे, जो कि डोगा की कॉमिक्स है। दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देखिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इसके पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे की कहानी को शुरू करेंगे। दोस्तों, इसके आगे कहानी को शुरू करने से पहले आप इसके आई बटन पे क्लिक करके आप इसके दोनों पार्टों को देख सकते हैं, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पे आपको डोगा की कॉमिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप डोगा के दोनों पार्टों की पार्टों को भी देख सकते हैं, और भी वहां पे आपको डोगा की कॉमिक्स का कॉमिक्स वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए, देरी ना करते हुए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और फकीरा को छोड़कर तो धर्म के उस अधिकारी ने एक ऐसा गुनाह किया है जो क्षमा के काबिल है ही नहीं। उन घरों की रोशनी एक बार फिर छीन ली है धर्माधिकारी ने, जिनके घरों के चिराग फकीरा के हाथ में थमे चाकू और पिस्तौलों ने बुझा दिए। ऐसे लोग इस विश्वास में थे कि धर्माधिकारी की अदालत उसे मौत की सजा देगी, पर सबकी उम्मीदों का खून कर दिया धर्माधिकारी ने। और अब कमिश्नर जो करने जा रहा है वो तो उसके दिमागी दिवालियापन का पक्का सबूत है। लेकिन अदरक चाचा, अब सूरज डोगा ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। कानून का माथा एक मुजरिम के जूतों पर नहीं टिकने देगा डोगा। वक्त आ गया है अदरक चाचा, वक्त आ गया है। जो फैसला धर्माधिकारी की अदालत में ना हो सका वो अब डोगा की अदालत में होगा। जा रहा हूं अदरक चाचा, टीवी ऑन ऑन ही रखिएगा, क्योंकि जल्द ही इस पर फकीरा की गोलियों से छन्नी हुई लाश दिखाई जाने वाली है। ऑन ही रखूंगा डोगा, ऑन ही रखूंगा। जल्द ही उस सुनसान सड़क पर मेन होल के ढक्कन में हलचल हुई, और ये गली उस जगह के बिल्कुल नजदीक है जहां फकीरा को मुंबई पुलिस सलाम बोलकर अपना नाम इतिहास में काला करने वाली है। वो पल आए उससे पहले ही डोगा फकीरा की जिंदगी को सड़क पर धोबी पाट दे मारेगा। डोगा के हाथ में दिखाई पड़ी वो अल्ट्रासोनिक सिटी, जिसकी आवाज केवल कुत्तों को ही सुनती है। अभी दौड़ आएगी मेरे कुत्ता फौज के सिपाही मेरे शस्त्रार्थ लेकर। और आ गए मेरे कुत्ता फौज के सिपाही। उस इमारत पर खड़े डोगा के कानों में पड़ रहा था वो शोर, हमारा फकीरा जिंदाबाद, हत्यारा डोगा मुर्दाबाद। डांडिया पर नजर पड़ते ही चौंक उठी थी कुत्ते सी वो सूरत। ये तो डांडिया है जो कल विश्वास के साथ कह रहा था कि कल फकीरा छूट जाएगा, और वैसा ही हुआ। आखिर डांडिया को यह आभास कैसे था? कहीं धर्माधिकारी के धर्म न्याय एवं सत्य के खिलाफ किए गए फकीरा के फैसले के पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं था जिसे फकीरा के भाई लकीरा ने रचा हो? कहीं धर्माधिकारी के परिवार का हत्यारा लकीरा ही तो नहीं है? कहीं इसलिए तो धर्माधिकारी ने अपना फैसला नहीं बदल दिया क्योंकि उसका पूरा परिवार लकीरा के कब्जे में था, और मुझ पर इन हत्याओं का दोष लकीरा फकीरा ने इसलिए डाल दिया क्योंकि मैंने ही फकीरा को गिरफ्तार करवाया था और डांडिया को तोड़ा था। डोगा के जबड़ों में जबरदस्त शक्ति आने लगी थी। ऐसा करके उन्होंने धर्माधिकारी को मेरा दुश्मन बना दिया है। सारी कहानी अब खुली किताब की तरह मेरे सामने है, मगर इस किताब के पन्नों को धर्माधिकारी को पढ़ाना शेष है, और उससे भी पहले फकीरा की जिंदगी की किताब को मैं बंद करूंगा। मंच पर आ चुके थे कमिश्नर। साथियों, पुलिस आप सब लोगों के भले के लिए तैनात की गई है, मगर उसके पास कोई जादू नहीं है कि वो इंसान को देखकर उसके सच, झूठ, निर्दोष या अपराधी होने का पता लगा ले। पुलिस गवाहों, घटनाओं और सबूतों की मोहताज है। श्रीमान फकीरा को एक ऐसी जगह से गिरफ्तार किया गया था जहां किसी का खून कर दिया गया था। फकीरा का कहना था कि वो खून डोगा ने किया है, डोगा का कहना था कि वो खून फकीरा ने किया है। शक के बिना पर श्रीमान फकीरा को गिरफ्तार किया गया और बाद में अदालत ने उसे निर्दोष पाकर बाइज्जत बरी कर दिया। पर चूंकि ये गिरफ्तारी पुलिस ने डोगा के कहने पर की थी,
उस जोगा के कहने पर, जिस पर जस धर्माधिकारी साहब के परिवार के खून का इल्जाम लगा है, इसलिए हम ये विशेष सभा बुलाई है आप लोगों को ये बताने के लिए डोगा जल्द ही कानून या मौत के गिरफ्त में होगा। फकीरा को पुलिस की गिरफ्तारी की जो यातनाएं सहनी पड़ी उसके लिए पुलिस और इससे पहले कि कमिश्नर आगे एक भी शब्द कह पाता, उस अंधेरे कोने से चली वो गोली और वो दृश्य देखने वालों के कलेजे हिल गए। ओह माय गॉड, ये गोली किसने चलाई? मौत के कदम अभी रुके नहीं थे। चुम आ आ डांडिया और उसके साथियों की चीख गूंजती चली गई। वो कत्लेआम देखकर लोगों में जबरदस्त भगदड़ मची। भागो भागो, चीख उठा कमिश्नर। गोलियां उस अंधेरे कोने से चलाई जा रही है। फायर, वहां जो भी है उसे गोली से उड़ा दो। भौचक्का था धर्माधिकारी। मैं जानता हूं कि वहां डोगा है कमिश्नर, पर उसके पास हथियार कहां से आए? हथियार तो हमने कुत्ते के जरिए गायब करवा दिए थे। शायद हमारी कोशिश पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन मैं हत्यारा फकीरा की मौत डोगा के हाथों चाहता था और वो काम हो गया क्योंकि उसे सिर्फ वही मार सकता था। ये आप क्या कर रहे हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं, अब डोगा की बारी है। गोलियां उस अंधेरे को चीर कर रख रख दे रही है। अब डोगा भी बचकर नहीं भाग पाएगा। धा 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 धा, गोलियों की जबरदस्त बारिश क्षण भर को रुकी तो अंधेरे अंधेरे कोने को चीर कर वो सूरत बाहर आई। उसे देखकर देखने वालों की उंगलियां दांतों तले पहुंच गई थी। तुम लोगों ने जितनी गोलियां चलाई वो सब सामने की ओर चलाई, सड़क की ओर एक भी नहीं चलाई, और मैं सड़क पर लेटकर ही बचा रहा। सैकड़ों गोलियां मिलकर भी मुझे छलनी ना कर सकी क्योंकि मेरे शरीर पर गोलियों से ज्यादा उन लोगों की दुआओं का कवच है जो चाहते हैं कि डोगा जिंदा रहे। और ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि डोगा वो कभी नहीं कर सकता जो धर्माधिकारी के परिवार के साथ हुआ। याद रखना धर्माधिकारी, डोगा बदला 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 नहीं लेता क्योंकि डोगा इस बात की परवाह नहीं करता कि उसे मुजरिम या हत्यारा समझा गया। डोगा ने फकीरा को तुम्हारी अदालत में भिजवाया था, जहां से छूट गया डोगा उसे ही खत्म करता क्योंकि वो अपराधी ही था। किसी निरपराध पर गोली क्यों चलाएगा डोगा? तुम्हारे परिवार के असली हत्यारे को डोगा जल्द ही तुम्हारे अदालत में लाकर खड़ा कर देगा धर्माधिकारी, और ऐसा करने से पहले कोई भी तूफान डोगा का रास्ता नहीं रोक सकता। और डोगा ने वहां से भागने के लिए जो रास्ता चुना उसने धर्माधिकारी के मस्तिष्क में चिंगारियां उड़ा दी। अब पकड़ा जाएगा डोगा क्योंकि डोगा कवच पहनकर और अपने हथियारों से मेनहोल में नहीं जा सकता। लेकिन उस वक्त धर्माधिकारी के दिमाग को एक करारा झटका लगा जब, नहीं ये नहीं हो सकता, डोगा कवच एवं गन सहित सक्रे मेनहोल में कैसे चला गया? मेरी थ्योरी को एक ही झटके में डोगा ने धूल चटा दी। फायर फायर, सचमुच डोगा ने धर्माधिकारी के थ्योरी को गलत साबित कर दिया था। सब कुछ समझ गया था डोगा भी। मुझे मेरी कुत्ता पोछ के सिपाहियों ने बता दिया था कि पुलिस के जासूस कुत्ते को उन्होंने हथियार ले जाते देखा है। तभी मेरा माथा ठनक गया था कि कुत्ते के जरिए मेरे हथियार ढूंढने की कोशिश हुई है, लेकिन जासूस कुत्ते जो हथियार ले गए थे वे उस एरिया के गुंडे के थे। शायद इसके पीछे धर्माधिकारी जैसा धुरंधर दिमाग था। उन्हें यह बात कैसे पता चली? मैं अपने हथियार अपने वफादार के जरिए छिपाता हूँ, इसका अनुमान केवल वही लगा सकता था। एक प्रश्न और भी उस समय मेरे जहन में कौद उठा कि आखिर उसी क्षेत्र में फकीरा को कमिश्नर सम्मानित क्यों कर रहा है, जिस क्षेत्र से जासूस कुत्तों द्वारा वो हथियार जब्त कर लिए गए जिन्हें पुलिस मेरा समझती रही। मुझे निशस्त्र कर देने की चाल किसी की ये मंशा जाहिर करती है कि मैं इस वक्त यहाँ पर आऊं, और जब मैं यहाँ आऊंगा तो कुत्ते मुझे मेरे शस्त्र लाकर नहीं देंगे। और जो व्यक्ति मुझे यहाँ बुलाना चाहता है वो ये जानता था कि इस वक्त मैं सिर्फ फकीरा के कारण ही यहाँ पहुंच सकता हूँ।
उसे खत्म करने के लिए। शायद इसलिए फकीरा को कमिश्नर द्वारा सम्मानित किए जाने की खबर का प्रचार किया गया। और उस व्यक्ति को यह पता होगा कि जब मैं निहत्ता यहां आऊंगा तो पुलिस की गोलियां मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ऐसा चाहने वाला सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है, धर्माधिकारी खुद। क्योंकि इतनी बड़ी दिमागी स्कीम वही बना सकता है, पर वो मुझे क्यों मारना चाहता है? शायद अपने परिवार की हत्याओं का बदला लेने के लिए, क्योंकि उसको और पूरी मुंबई के लोगों को पता है कि उनकी हत्या डोगा ने की है। मैनहोल में कुत्ते और धर्माधिकारी ने कहा था कि कवच एवं बंदूक के साथ मैं मैनहोल में नहीं कूद पाऊंगा। उसका यकीन ठीक था। कोई भी मेरे जैसा कवच पहनकर या गन को लेकर वहां से नहीं निकल सकता। गन को मैंने इसी हिसाब से बनाया है कि मैं गन समेत मैनहोल में उतर सकता हूं। डोगा ने हर समस्या को हल करके रखा है, किंतु शायद धर्माधिकारी को मेरे कवच की विशेषता का नहीं पता। वो बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है। गटर की दीवारों से रगड़ खाकर वो मेरे कंधों एवं छाती से बिल्कुल सट जाता है। और अब मेरे कदम रुकेंगे। इस डे नाइट क्लब में पहुंचकर जहां से मैंने फकीरा को गिरफ्तार कराया था, ये डे नाइट क्लब लकीरा का है। छनाक, इस वक्त तुम्हारा सारा शरीर शराब से भींगा हुआ है। अगर मैं इस लाइटर की लौ को तुम्हारे शरीर से छुआ दूंगा, तुम्हारे शरीर की राख इस क्लब के झूठे बर्तन मांजने के काम आएगी। मुझे तुम्हारा बाप लकीरा चाहिए, मिलेगा। शायद अपने जीवन का आखिरी फोन कर रहा था लकीरा। 2 करोड़ में सौदा पक्का करो, वरना तुम्हारी जिंदगी की लकीर लकीरा कल खुद आकर मिटा देगा। दूसरे पल, ओह लकीरा, चाल तो तूने अच्छी चली थी धर्माधिकारी के हाथों डोगा को खत्म करवाने की, मगर अफसोस कि डोगा तेरी चाल को समझ गया। फकीरा की लकीर तो मैं मिटा आया हूं। अब तेरी बारी है, धाड़। बारी मेरी नहीं है, तेरी है डोगा। कड़ाक, आह, बारी तेरी ही है कमीने, और तेरे ही गन से तुझे मारूंगा। बारी तेरी है डोगा। रिवॉल्वर चाहे तू 10 निकाल ले, पर बारी तेरी है लकीरा। थर्ड, लेकिन पहले मैं तेरे आसपास की गंदगी को साफ कर दूं। क्या नाम है तेरा? पप्पे। अब तू नरक में बैठकर पापे खाना। तू अपना नाम बोल, पिग। सुअर के ही मौत मरेगा तू भी, धाड़। नाम बोल, सुखा। ये गोली तुझे और भी सुखा देगी। और तब बोल लकीरा, धर्माधिकारी के परिवार का कत्ल किसने किया? मैंने 5 को मैंने मारा था, और बच्चे को मेरे भाई फकीरा ने। गोलियां चलाकर इतनी दहशत पैदा कर दी थी डोगा ने कि लकीरा के मुंह से जबरन जवाब फौरन निकल रहे थे। धर्माधिकारी ने अपना फैसला क्यों बदला? फकीरा को क्यों छोड़ा उन्होंने? क्योंकि उसका परिवार मेरे कब्जे में था। इसी क्लब के नीचे तखाने में मैंने उन्हें मारा था। डोगा के प्रश्नों का एक एक जवाब देता चला गया लकीरा। तू जीने के काबिल नहीं है लकीरा, तू जीने के काबिल नहीं है। मुझे छोड़ दो डोगा, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। ओह, तुझे छोड़ना मेरी मजबूरी है लकीरा, क्योंकि तभी धर्माधिकारी की निगाहों में मैं निर्दोष साबित होऊंगा। ओह, डोगा के हाथ में थमे रिवॉल्वर से तो नहीं, मगर वो गोली चली जरूर, इसने लकीरा की खोपड़ी के परखच्चे उड़ा दिए। धाय, आह, डोगा स्प्रिंग के मानिंद उछलकर पलटा। धर्माधिकारी आप? हाँ डोगा, मैं। इस कमीने को इस अंजाम तक मेरे यहां तो पहुंचना था,
जिंदगी भर इंसाफ फर्ज और कर्तव्य की जो दौलत मैंने इकट्ठा की थी इस हत्यारे ने उसे लूट लिया था। इसके कारण ये किया गया मेरा आखिरी फैसला कलंकित कर गया मेरे दिल मेरी आत्मा को। लेकिन जिनके लिए मैंने अपनी आत्मा की आवाज को दबा दिया कलम तोड़ने के लिए उठाई थी पर ना तोड़ पाया वही मेरे अजीज मेरे पत्नी मेरे बच्चे मेरा मासूम पोता वो सब मुझे फिर भी जिंदा वापस ना मिल सके। इस हत्यारे ने बेदर्दी से उन सबकी छातियों में गोलियां उतार दी मेरे मासूम पोते को भी नहीं बख्शा इसने। जड़ हो गया था जैसे उस वक्त मेरा दिमाग और मैं तुम्हें अपना कातिल समझ बैठा अपनी थ्योरी बनाकर तुम्हें 8 घंटे में पकड़ने की सौगंध खाई तुम्हारे नाम की कलम तोड़ने का प्रण किया मगर वक्त रहते मेरी आंख खुल गई। जो सही फैसला मेरी अदालत ना दे सकी वो फैसला तुम्हारी अदालत ने फकीरा को खत्म करके दे दिया डोगा और अब अपनी अपनी जिंदगी पर गलत फैसले के अपराध का बोझ लेकर मैं जिंदा नहीं रह सकता। एक अपराध तो कर चुका हूँ दूसरा भी कर रहा हूँ आत्महत्या करने का अपराध। आज मेरी अदालत हमेशा के लिए बंद हो जाएगी डोगा पर तुम अपनी अदालत कभी बंद ना होने देना क्योंकि कुछ शैतानों को सही इंसाफ तुम्हारी अदालत में ही मिल अदालत ही दे सकती है। नहीं धाय ढोगा छोड़ दो मुझे मेरे लिए अब इस दुनिया में जीने के लिए कुछ नहीं बचा जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है जज साहब काश आप अपने परिवार की कुर्बानी देने के लिए अपने दिल और अपनी आत्मा को पत्थर से भी ज्यादा मजबूत बना लेते तब आप अपने परिवार के खोने के दर्द के साथ अपनी आत्मा पर किसी अपराध का बोझ लेकर जिंदा रहने के लिए मजबूर ना होते। अपने जिंदगी को खत्म करने की जगह अपने कुशाग्र दिमाग को मानवता की भलाई के कामों में लगाओ। इसी के साथ ये कहानी ये खत्म होती है मिलेंगे एक और नई कहानी में तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना इसकी जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू।